आज दिनांक 4 अगस्त 2021 वर्ग पंचम विषय हिंदी अध्याय 21 अध्याय जो है 25 और शीर्षक है बच्चों क्या कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास, क्या क्या कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास, है ना, क्या कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास। किताब पढ़ाई होने जा रही है, आप पेज नंबर 121 निकालिए। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है बच्चों आप लोगों का कि हमें आलस नहीं करना चाहिए, हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। आलस ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान जपो, आलस जो है मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। आप लोगों को इस कहानी हम पढ़ाने जा रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से सुनिए। क्या कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास कहानी। शक्ति सिंह एक व्यक्ति का नाम है, उन्हीं के बारे में यह बतलाया गया है। शक्ति सिंह के बारे में, एक अच्छा भला चंगा व्यक्ति था, उनके गुणों को आप लोगों को बतलाया जा रहा है, आप लोग ध्यान से सुनिए। शक्ति सिंह अच्छा भला चंगा व्यक्ति था, पर आलसी था। चंगा व्यक्ति था लेकिन वह आलसी था। आलस जो है मनुष्य को नीचे गिरा देता है, इस कुछ काम नहीं करता था, आलसी बहुत था, इसलिए उसे गरीबी सदा घेरे रहती थी। वह हमेशा दूसरों के आगे हाथ फैलाता रहता था, बहुत बार उसे लोगों को फटकार भी सुनने की मिलती, तो कभी कभी कोई भला आदमी उसकी सहायता भी कर देता, ऐसी सहायता से भी वह अपना गुजारा कर लेता था। थाली परे परे शक्ति सिंह में आत्मविश्वास की भी बहुत कमी हो गई थी। आत्मविश्वास मतलब क्या होता है, अपने आप पर भरोसा। जब आप आलसी रहिएगा तो क्या भरोसा आपका अपने आप पर रहेगा। वह सदा सोचता था कि वह कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास कुछ भी साधन नहीं है। एक दिन की बात है बच्चों, सुनिए। शक्ति सिंह किसी के पास कुछ मांगने पहुंचा। उस व्यक्ति ने शक्ति सिंह से पूछा, तुम इस तरह दूसरों के आगे हाथ क्यों फैलाते हो, क्या कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास। शक्ति सिंह ने दीन स्वर में उत्तर दिया, कहा, क्या मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्या सचमुच कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास, उस व्यक्ति ने आश्चर्य से पूछा। मैं सच कहता हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, शक्ति सिंह ने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ, बहुत दीन हूँ। तब उस व्यक्ति ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे पास तो बहुत कुछ है, फिर भी कह रहे हो कि मेरे पास कुछ है ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो, और झूठ बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती,
उस व्यक्ति ने शक्ति सिंह को फटकारा। अब मैं आपको कैसे विश्वास दिलाऊं, आप मेरे पड़ोस के लोगों से पूछ लीजिए, इस सचमुच मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरी सहायता कीजिए। शक्ति सिंह ने विनय की, शक्ति सिंह ने प्रार्थना किया उस आदमी पर, मुझे किसी से पूछने की क्या जरूरत है, मैं तो अपनी आंखों से देख रहा हूं कि तुम्हारे पास कितनी किसी चीज की कमी नहीं है। वह व्यक्ति बोला, कैसे? शक्ति सिंह ने आश्चर्य सहित पूछा कि किस पर कैसे मेरे पास सब कुछ है, कैसे? तो लो सुनो, तुम्हारे अच्छे मजबूत दो हाथ है, दो पैर है, दो आँख है, दो कान है, फिर भी कहते हो मेरे पास कुछ है ही नहीं। ये तो गरीब अमीर सभी होते हैं, होते ही हैं, इन हाथ पैरों से क्या? अच्छा, इनसे क्या? इसका मतलब है कि बेकार है? तो भाई, अपना यही एक बेकार हाथ मुझे दे दो, मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा, दोनों हाथ के बदले तुम्हें 20,000 दे दूंगा, दोनों पैर के बदले 50,000 रुपया दे दूंगा, और दोनों कान और आँख यदि दे दो तो तुम्हें 2,00,000 रुपया दे दूंगा। लाओ अपनी ये सब बेकार चीजें मुझे दे दो, इनके बदले मैं तुम्हें ढेर सारा धन दे दूंगा, उस व्यक्ति ने कहा। शक्ति सिंह की गर्दन नीची हो गई, उसकी जबान पर ताला पड़ गया, वह सिर खुजलाने लगा। वह व्यक्ति फिर बोला, अब क्यों नहीं बोलते? अरे, अपनी इन बेकार चीजों को बेच डालो, इतने अच्छे दाम लगाने वाला भी कोई तुम्हें नहीं मिलेगा। अब शक्ति सिंह को अपने पर शर्म आने लगी, उसकी आंखें खुल गई, उस व्यक्ति की कही हुई बातों का मर्म उसकी समझ में आने लगा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगा। फिर अचानक शक्ति सिंह ने आगे बढ़कर उस व्यक्ति को के पैर पकड़ लिया। तब वह व्यक्ति उसे समझाते हुए बोला, यह शरीर ईश्वर की दी हुई सबसे बड़ी दौलत है, इसके रहते अपने को गरीब मानना मूर्खता है, बुद्धि का प्रयोग करते हुए कठिन परिश्रम करो, तुम्हारे अंग संसार के सब यंत्रों से अधिक मूल्यवान है, अधिक कीमती है, इनका ठीक उपयोग करो, सफलता तुम्हारे कदम चुमेगी, आत्मविश्वास पूर्वक काम में जुट जाओ, तुम्हारे पास सब कुछ हो जाएगा, फिर तुम्हें यह कभी नहीं कहना पड़ेगा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। अच्छे लोगों का उदाहरण से सीखो, सब मुश्किलें आसान हो जाएगी। शक्ति सिंह को लगा, ऐसा लगा कि ये बातें नहीं है, उस पर अमृत वर्षा हो रही है। बातें सुनकर उनकी दीनता ना जाने कहाँ गायब हो गई, मन में तो आत्मविश्वास से भरा उत्साह हिलोरी मारने लगा। इस प्रकार से बच्चों, यदि आप आलस को त्याग दीजिएगा तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। और उस महान व्यक्ति, वह व्यक्ति महान व्यक्ति थे, धर्मात्मा थे, और उनकी बातों पर आलस का दामन पकड़कर बहुत से लोग आज जो है बच्चों अवनति के रास्ते में गिर पर जाते हैं। अवनति माने क्या होता है? नीचे गिर रहे हैं, है ना? क्योंकि उनके पास आलस है। गाय चराने वाला धार्मिक परिश्रम और लगन के कारण संस्कृत का प्रसिद्ध कवि का लाया बच्चों, प्रारंभ में प्रारंभिक जीवन का यदि मूर्ख कालिदास संस्कृत साहित्य का सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि एवं नाटककार बने। एक जुलासंत महाकवि कबीरदास कहलाए,
किसान का हम मेहनत मजदूरी करने वाला अब्राहम लिंकन का नाम सुनी हुआ कि राष्ट्रपति के पद पर जा बैठा। इस प्रकार से संसार का श्रेष्ठ गणितज्ञ रामानुजन जी का नाम जानता होगा, एक छोटा सा क्लर्क था और वह संसार का सबसे श्रेष्ठ गणितज्ञ बना। आप लोग स्कूल में आप लोग जिस माइकल फैराडे का भी नाम सुने होगा कि एक विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक बना है ना, नाव का किराया नहीं जुटाने वाला कौन बालक था, लाल बहादुर शास्त्री, उन्नति करके भारत का प्रधानमंत्री बना। परिश्रम करके सफलता पाने वालों के अनगिनत उदाहरण है। इसलिए बच्चों आप लोग आलस को त्यागिए, खूब मेहनत कीजिए, खूब परिश्रम कीजिए और मन लगाकर पढ़िए, सफलता आपको आपकी राह देख रही है। अब मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना प्रदान करता हूँ। शब्दार्थ लिख लीजिए और याद कीजिए। जय हिंद।